गाजीपुर और वाराणसी समेत देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी पत्र मिलने के बाद से प्रशासन की नींद उड़ गई है। रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं। कथित आतंकी कमांडर की ओर से जारी पत्र के आधार पर एहतियातन गाजीपुर सिटी स्टेशन की जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है कि पत्र कहां से आया और किसने भेजा है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। रेलवे परिसर में दिखने वाले संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की गहनता पूर्वक पड़ताल की जा रही है। आज खुद वाराणसी जोन के आईजी के सत्य नारायण ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस अफसरों ने सघन चेकिंग अभियान भी चलाया और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, झांसी, मथुरा, नई दिल्ली, गाजियाबाद इन स्टेशन पर खतरा बताया जा रहा है। धमकी भरा पत्र आरपीएफ गाजीपुर में तैनात इंस्पेक्टर कृष्णानंद के नाम से भेजा गया था। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जीआरपी गाजीपुर में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया था, लेकिन इस मामले को रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा मीडिया से दबाया गया था। आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि उस पत्र को लेकर हम लोग सतर्क हैं और फोर्स को डिप्लॉय भी कर दिया गया है, उसके बारे में भी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया, हम इसका भी जांच कर रहे हैं कि जो पत्र आया है वाकई में सही है या फिर फर्जी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।